So this lesson is all about young male horse, which narrates a story of a hunting incident where the people kills the innocent hare just to please themselves and just for their entertainment. So this lesson is extracted from the real novel Black Beauty by Anna Sewell. So let's translate first. Before I was 2 years old, जब मैं 2 साल का था, ये कौन कह रहा है? ये इस बात का ध्यान रखें, ये स्टोरी एक घोड़ा बयान कर रहा है, ब्लैक ब्यूटी यंग मेल हॉर्स बयान कर रहा है. तो वो कह रहा है, बिफोर आई वॉज 2 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 2 साल का था, आ सिरकमस्टेंसेस हैपेंड, सिरकमस्टेंसेस हालात वाक्या, तो मेरे साथ एक वाक्या हुआ विच आई हैव नेवर फॉरगेटन, जो मैं कभी नहीं भूल सकता. इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, तो ये खजान के आगाज़ में हुआ. देर हैड बीन अ लिटल फ्रॉस्ट इन द नाइट, जब रात में थोड़ा थोड़ा लिटल थोड़ा कोरा पड़ रहा था, कोरा ठंड को कहते हैं, ठंडी हवा चलने को. एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हैंग ओवर, और लाइट और हल्की सी मिस्ट धुंध को कहते हैं, स्टिल हैंग ओवर, अभी तक जो छाई हुई थी. द वुड्स एंड द मेडोज, वुड्स जंगल को कहते हैं, वुड लकड़ी और ये वुड्स है, तो जब वुड्स आएगा तो वो जंगल के मामले में इस्तेमाल होगा, फॉरेस्ट. एंड मेडोज और चरागाहों पे, तो क्या कह रहा है कि वो धुंध ने जंगल और चरागाह को घेरा हुआ था. आई एंड द अदर कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बछेरों को कहते हैं, जो यंग यंग बछेरे होते हैं, यंग हॉर्स को कहते हैं. अब ये सारे ये ग्रुप दोस्त होंगे या जैसे भी एक स्टोरी है, आप खुद अंदाज़ा कर लें. आई एंड अदर कॉर्ड्स, मैं और साथ कुछ मेरे साथ कुछ बछेरे, वो आर फीडिंग, चर रहे थे, फीड जैसे फीडर होता है बच्चों को, ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्लास है उन्हें, क्योंकि बच्चे फीडर भी पीते हो, तो फीडिंग हम खुराक खा रहे थे, चर रहे थे. एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के लोअर पार्ट पे, निचले हिस्से पे. व्हेन वी हियर्ड, जब हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस, काफ़ी फासले से, व्हाट साउंडेड, जो लग रहा था, लाइक द क्राई ऑफ द डॉग्स, जो कि कुत्तों की चीखों की तरह लग रहा था, लाइक जैसे. The oldest of the colts, बछेरों में से जो सबसे बड़ा था, raised his head, उसने अपना सर उठाया, pricked up his ear, और कान अपने मतवजह किए या खड़े करने को, pricked up his ear का होता है मतवजह हो जाना, किसी कान खड़े करना. And said, और कहा, there are the hounds, वो रहे शिकारी कुत्ते. And immediately cantered off, और फौरन कैंटर्ड ऑफ होता है भाग जाना, चल जाना, घोड़े के भागने को चलने को कहते हैं. फॉलोड बाय, पीछे करते हुए, बाय द रेस्ट ऑफ अस, जो उसके बाकी पीछे थे, रेस्ट ऑफ अस, जो बाकी बच जाते हैं, बाकी बच जाना. टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के ऊपर वाले हिस्से की तरफ. सेंटेंस की कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या बनी, कि फौरन ही हम सब को पीछे लगाए हुए खेत के ऊपर हिस्से की तरफ भाग पड़ा. वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज and see several fields beyond, जहाँ से हम झाड़ियों की बाड़ के ऊपर से और कई खेतों के परे दे सकते थे. beyond, परे, हैज, बाड़ को कहते हैं, जो सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं. माई मदर एंड ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, मेरी अम्मी और मालिक का एक बूढ़ा घोड़ा भी नज़दीक ही खड़े देखता था और लगता था कि ये सब कुछ जानता है, जानते हैं. दे हैव फाउंड अ हेयर, तो उन्होंने एक देख लिया, पा लिया, एक बड़ा खरगोश. सेड बाय मदर, मेरी अम्मी ने कहा. एंड इफ दे कम दिस वे वी शैल सी देम, सी द हंट, अगर वो इस तरफ आए तो हम शिकार को देख लेंगे. एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग व्हीट नेक्स्ट टू आवर, और जल्द ही डॉग्स वर टीरिंग डाउन, तेज़ी से भाग रहे थे, डाउन द फील्ड, खेतों में, ऑफ यंग व्हीट नेक्स्ट टू आवर्स, और जो ताज़ा फसल थी या नई फसल थी गंदम की, हमारे बिल नेक्स्ट टू आवर्स, हमारे बिल्कुल सामने. आई नेवर हियर्ड सच अ नॉइस एज दे मेड, मैंने कभी ऐसा शोर नहीं सुना जो वो कर रहे थे. दे डिड नॉट बार्क, वो भौंक नहीं रहे थे, नॉर हॉल, ना ही हांक रहे थे, नॉर वाइन, ना ही कोई कूं कूं की आवाज़ कर रहे थे,
but kept on a यू 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 एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, बल्कि वो पूरी कुव्वत के साथ यूं यूं की आवाज़ निकाल रहे थे ऊंची तरह से, टॉप ऑफ देयर वॉइस ऊंची. आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग आए, आदमी आए जो घोड़ों पर सवार थे. सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, उनमें से कुछ सब्ज कोट पहने हुए थे. All galloping as fast as they could. तो वो इतनी देर से घोड़े भगा रहे थे जितना वो भगा सकते थे. The old horses snorted. बूढ़े घोड़ों ने खराटे लिए and looked eagerly after them. और उन्हें बड़े जोश के साथ, eager जोश को कहते हैं, बड़े जोश के साथ उनको देख रहे थे. And we young colts wanted to be galloping with them. और हम जो नौजवान घोड़े थे उनके साथ भागना चाहते थे. बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड्स लोअर डाउन, लेकिन जल्दी वो नीचे खेत में चले गए. हेयर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे वो खड़े हो गए हैं. द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया. एंड रैन और दौड़े अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेज टू द ग्राउंड, और ज़मीन से नाक लगाए चारों तरफ भागने लगे. दे हैव लॉस्ट द सेंट, तो वो खुशबू खो चुके थे. सेंट खुशबू को कहते हैं. किन की खुशबू? वो खरगोश की, जिसको वो सूंघ के भाग रहे थे. वो खो चुके थे. सेट द ओल्ड हॉर्स, बूढ़े घोड़े ने कहा. पर हैप्स द हेयर विल गेट ऑफ, शायद के खरगोश बच निकले. गेट ऑफ, बच निकला. व्हाट हेयर, कौन सा खरगोश? आई सेट, मैंने कहा. Oh, I don't know what hair, like enough it may be one of our own hairs about out of the woods. कौन सा खरगोश? मैं नहीं जानता. ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये शायद हमारे जंगल के खरगोशों में से एक हो. Any hair they can find will do for the dogs and the men to run after. क्या खूबसूरत ये लाइन है. कह रहे हैं कि कोई भी खरगोश आदमी या कुत्तों को मिल जाए तो ये उनको उनको भगाने के लिए काफ़ी होगा. क्या बात है. And before long, the dogs began their yoo-yoo. जल्द ही कुत्तों ने अपनी यू-यू दोबारा शुरू कर दी. And back they came all together at full speed. और पीछे आए वो सब मिलके पूरी स्पीड के साथ, पूरी रफ्तार के साथ, making straight for our meadow. बिल्कुल हमारी चरागाह के सामने, at the part where the high bank and hedge overhang the brook. इस हिस्से की तरफ जहाँ बुलंद किनारा और झाड़ियों की बाढ़ नदी के ऊपर लटक रही थी. ब्रूक, नदी. हैज, मैं पहले बता चुका हूँ कि बाढ़ को कहते हैं. नाउ वी ऑल शैल सी द हेयर, अब हम सारे खरगोश देखेंगे. सैड माई मदर, मेरी अम्मी ने कहा. एंड जस्ट देन अ हेयर, और वह तब ही अ हेयर, ए खरगोश, वाइल्ड विद फ्राइट, जो गुस्से के साथ था. वाइल्ड जंगली था, वैशी था. विद फ्राइट, गुस्से के साथ. रश्ड बाय, गुजर गया, तेजी से गुजर गया. एंड मेड फॉर द वुड्स, एक खरगोश तेजी से गुजरी और दरख्तों की तरफ भागी. ऑन केम द डॉग्स, द ब्रस्ट ओवर द बैंक, लीप्ड द स्ट्रीम एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, फॉलोड बाय द हंट्समैन. कुत्ते आए तेज रफ्तारी से, किनारे पर से गुजरे, ब्रस्ट ओवर किनारे गुजरे, नदी पर छलांग लगाई. लीप्ड, छलांग लगाना, और शिकारियों को पीछे लिए भागते हुए खेत में से गुजर गए. सिक्स और एट मैन लीप देयर हॉर्सेज क्लीन ओवर द क्लोज अपॉन द डॉग्स, छः या आठ आदमी कुत्तों के ऐन पीछे अपने घोड़ों को साफ छलांग लगवा कर ले गए. द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, खरगोश, खरगोशनी ने बाड़ के दरमियान से गुजरने की कोशिश की. फेंस, बाड़ को कहते हैं, हैज को कहते हैं. फिर इट वॉज टू थिक, तो ये बहुत घनी थी. एंड शी टर्न्ड शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो सड़क की तरफ जाने को लिए मुड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी. इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी. द डॉग्स वर अपॉन हर, देयर वाइल्ड क्राइज वी हियर्ड वन श्राइक, कुत्ते वैश्याना चीखों के साथ उस पर टूट पड़े. वी हियर्ड वन श्राइक, हमने एक चीख सुनी. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, और ये उसका इख्तिताम था, उसका एंड था. वन ऑफ द हंट्समैन, शिकारियों में से एक, रोड अप एंड वाइप्ड ऑफ द डॉग्स,
तो वो उसने रोड अप किया, घोड़ा घोड़े को दौड़ाया एंड वाइप्ड ऑफ और कुत्तों को मारा। द डॉग हु कुड सून हैव टर्न हर इन टू पीसेस, कि जो उसको टुकड़ों में तकसीम करने ही वाले थे। किनको? उसको, खरगोश को। मतलब उसने आके अब कुत्तों को हटाया पीछे से शिकारी ने। ही हेल्ड अप द रेड रैबिट, उसने खरगोश को पकड़ लिया, हेल्ड अप ऊपर ऊंचा कर दिया। एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लेस्ड, और तमाम जो शुरफा थे, शरीफ लोग थे, सीम्ड लग रहे थे वेल प्लेस्ड, बहुत ही ज़्यादा खुश और पुरमुसर्रत। होए होए। एज फॉर मी आई वॉज सो अस्टॉनिश्ड, मेरे लिए ये काफ़ी हैरान कन था। आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वॉट वॉज गोइंग ऑन बाय द ब्रूक, मैंने ये कभी नहीं देखा था। ये मेरे लिए पहला वाक्या था जो मैंने एक किनारे के नदी के किनारे देखा। बट वेन आई डिड लुक, पर जब मैंने देखा, देर वॉज अ सैड साइट, तो वहाँ एक गमगीन नज़ारा था। टू फाइन हॉर्सेज वर डाउन, दो अच्छे घोड़े नीचे गिर गए थे। वन वॉज स्ट्रगलिंग, एक कोशिश कर रहा था इन द स्ट्रीम, नहर से, इन नहर में। एंड द अदर वॉज ग्रोनिंग ऑन द ग्रास, और दूसरा जो था घास के ऊपर ग्रोनिंग कर रहा था, मतलब बेचैन हालत में पड़ा था, हिलजुल रहा था। वन ऑफ द राइडर वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, एक जो घुड़सवार था वो पानी से बाहर आने के बाहर आ रहा था। कवर्ड विद द मड, जो कि भरा हुआ था, लुथड़ा हुआ था मड, गारे के साथ, मिट्टी के साथ। द अदर ले क्वाइट स्टिल, और दूसरा पड़ा हुआ था क्वाइट स्टिल, बिल बेहरकत, स्टिल बगैर किसी हरकत के। हिज नेक इज ब्रोकन, उसकी गर्दन टूट गई थी। सैड माई मदर, मेरी अम्मी ने कहा। एंड सर्व्स हिम राइट टू, सैड वन ऑफ द कॉर्ड्स, बछेरों में से एक ने कहा। एंड सर्व्स हिम राइट, इसके साथ अच्छा हुआ। सर्व्स द राइट मीन अच्छा हो जाना, मकाफाते अमल हो जाना। आई थॉट द सेम, मुझे भी ऐसा ही लगा, मैंने भी ऐसा ही सोचा। बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, लेकिन मेरी अम्मी ने हमारे साथ इतफाक नहीं किया। ज्वाइन विद अस, इतफाक ना करना। वेल नो शी सैड, नहीं उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दाओ आई एम ओल्ड हॉर्स, अगरचे मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ। एंड हैव सीन, और देख चुकी हूँ। हियर्ड अ ग्रेट डील, और बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ द स्पोर्ट, मेक आउट सोचना, समझ आना। तो कहती मुझे ये कभी भी समझ नहीं आई कि आदमी इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं। दे ऑफन हर्ट themselves, often spoil some good horses and tear up the fields, and all for a hare or a fox or a stake. Often, often दोनों पर प्रनंसिएशन ही ठीक है। एक अमेरिकन जो है वो ऑफन कहते हैं, अमेरिकन ऑफ्टन कहते हैं, और ब्रिटिश अमेरिकन कहते हैं। अच्छा, तो वो कहती है अक्सर अच्छे घोड़ों को बर्बाद कर देते हैं और खेतों को उजाड़ डालते हैं, और सब कुछ एक खरगोश के लिए, या लूमड़ के लिए, या बारासिंगे के लिए। स्टेक बारासिंगे को कहते हैं। दे कुड गेट मोर इजिली सम अदर वे, जहाँ वो जैसे कि वो हासिल कर सकते हैं उन्हें मोर इजिली, बड़ी आसानी के साथ, किसी और तरीके से। बट वी आर ओनली हॉर्सेज, लेकिन हम तो घोड़े हैं सिर्फ। एंड डोंट नो, और हम नहीं समझते, हम इलम नहीं रखते। बहुत ही